अक्षय तृतीया, नाम लेते ही आपके मन में जो सबसे पहली तस्वीर आती होगी वो है सोना यानी गोल्ड। सोना हमारी संस्कृति सभ्यता का एक बेहद खास हिस्सा है और अक्षय तृतीया जैसे मौके पर सोना खरीदना काफी शुभ भी माना जाता है। लेकिन आपने वो कहावत तो सुनी होगी कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती। इस साल 10 मई को अक्षय तृतीया के मौके पर जब आप सोना खरीदने जाएंगे तो कुछ खास बातों का ख्याल जरूर रखिएगा, जैसे कि जो गोल्ड आप खरीदने जा रहे हैं वो कितना खरा है। नमस्कार, मेरा नाम है अरिमा द्विवेदी और आप देख रहे हैं बिस्तक। आज बात करते हैं सोने की, उसकी शुद्धता की और अक्षय तृतीया के उस शुभ मुहूर्त की जब आप गोल्ड खरीदना आपके लिए शुभ साबित होगा। अक्षय तृतीया पर आखिर सोना क्यों खरीदते हैं? इस दिन को लेकर कहा जाता है कि इस दिन किए गए कामों में बरकत होती है और सोना और चांदी भी ऐसी ही चीजें हैं जो समय के साथ जिनकी कीमत बढ़ जाती है। ऐसे में अगर आप अक्षय तृतीया के दिन सोना खरीदते हैं तो वो काफी शुभ माना जाता है। अब सवाल ये उठता है कि जो सोना आपने खरीदा है वो शुद्ध भी है या नहीं। सोने की शुद्धता को समझना बेहद जरूरी है। इसकी प्योरिटी को आप कैरेट में मापते हैं और 24 कैरेट गोल्ड यानी सोने का सबसे शुद्ध रूप, 24 कैरेट सोने को शुद्ध सोना माना जाता है। इसमें किसी तरह की कोई मिलावट नहीं होती। 22 कैरेट सोने में दो भाग चांदी, जस्ता, निकल जैसी धातुएं होती हैं, बाकी भाग सोना होता है। 18 कैरेट सोने में 75% हिस्सा सोना होता है, बाकी का 25% हिस्सा दूसरी धातुओं का होता है। MMTC PAMP के MD विकास सिंह का कहना है कि शुद्ध सोना खरीदने के लिए 99.99% प्योर गोल्ड की तलाश ही करनी चाहिए। अगर आप सोने की कोई ज्वेलरी खरीद रहे हैं तो भी जो सोना खरीद रहे हैं उसकी शुद्धता की जांच करना बेहद जरूरी हो जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने सोना खरीदने वाले ग्राहकों को नकली और मिलावटी सोने की खरीदारी से बचाने के लिए BIS केयर ऐप भी लॉन्च किया है। भारत सरकार ने सभी सोने की ज्वेलरी पर 6 अंकों का अल्फा न्यूमेरिक HUID कोड जरूरी कर दिया है। यह हर ज्वेलरी के लिए अलग यानी कि यूनिक होता है। इस यूनिक कोड की मदद से ग्राहक BIS केयर ऐप का इस्तेमाल करके सोने की प्रमाणिकता यानी ऑथेंटिसिटी और अन्य डिटेल्स को आसानी से वेरीफाई कर सकते हैं। फिलहाल दो कीमती धातुओं सोना और चांदी को हॉलमार्किंग के दायरे में भी लाया गया है। व्हाइट गोल्ड अलॉय भी हॉलमार्किंग के तहत ही आता है। इस कदम का उद्देश्य ग्राहकों के लिए सोने की ज्वेलरी और आर्टिफैक्ट्स की क्वालिटी को सुनिश्चित करना होता है। कोई भी BIS केयर ऐप पर वेरीफाई HUID फीचर का इस्तेमाल करके हॉलमार्क वाली ज्वेलरी की प्रमाणिकता की जाँच कर सकता है। इसके अलावा कोशिश ये करें कि एस्टैब्लिश्ड और विश्वसनीय ज्वेलर्स से ही सोना खरीदें। बिना हॉलमार्क वाला सोना तो बिल्कुल भी ना खरीदें। इसके अलावा ज्वेलर्स से मेकिंग चार्जेस की जानकारी जरूर ले लें। मेकिंग चार्जेस सोने के आभूषण बनाने में लगने वाली कॉस्ट होती है। अलग अलग ज्वेलर्स अलग अलग मेकिंग चार्जेस लगाते हैं। ऐसे में बेहतर सौदा चुनना आपके हाथ में होता है। सोना खरीदने के बाद उसका बिल लेना भी बहुत जरूरी है। इस बिल में सोने की शुद्धता की जानकारी, वजन समेत सभी जरूरी जानकारियां होती है। अगर आप अक्षय तृतीया के दिन सोना चांदी खरीदना चाहते हैं तो सुबह 8:55 से 10:36 बजे तक, इसके बाद दोपहर 12:16 बजे से 4:56 बजे तक और शाम को 4:56 से 9:32 के समय तक का समय शुभ है। वैसे अक्षय तृतीया का दिन अपने आप में ही शुभ होता है और अगर आप इन टिप्स का ध्यान रखेंगे जो हमने अभी आपको बताई हैं, उस तरीके से अगर आप सोने की शुद्धता की जांच करके सोना खरीदेंगे तो अक्षय तृतीया के इस शुभ दिन पर आप अपने घर एकदम खरा सोना लेकर के आएंगे। आपका इस पूरी खबर पर क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी अन्य खबरों के लिए जुड़े रहें बिस्तक के साथ। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के यूट्यूब चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।